पर। तो आज हम जा रहे हैं निज़ला गोरे पिकनिक स्पॉट चिरांग पे। तो ये पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है फिटनेस प्लस जिम, जो मेरे वाइफ करती है वहाँ पर जिम। तो वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड, ऑल द स्पॉसेस आर बी इन्वाइटेड देर। सो फुल डिटेल्स दिखाएंगे निज़ला गोरे पिकनिक स्पॉट्स का, नया पिकनिक स्पॉट है कैसा है वो स्पॉट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए इस वीडियो को हम करते शुरू। मैं ये दिखा देता हूँ आपको, निज़लागुड़ी जो है बिलासीपारा से इट्स 73 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो निज़लागुड़ी चिरांग पे है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ निज़लागुड़ी पिकनिक स्पॉट। सो फ्रेंड्स, दिस इज मॉर्निंग बिलासीपारा, 7:30 AM हियर एट गांधी चौक। आर यू रेडी एवरीवन? हैप्पी न्यू ईयर। सो फ्रेंड्स, बस में एक साथ सभी मिलके पिकनिक जाने का मजा ही कुछ अलग है। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एंड होप टू रीच बाय 10:30 AM। आई एम रेखा। आज बहुत ठंड है और इस ठंड में हम सब पिकनिक जा रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जिम फिटनेस प्लस से हम लोग सब आज पिकनिक जा रहे हैं। 2023 का फर्स्ट पिकनिक है। वी आर ऑल एंजॉइंग वेरी मच इन द बस। वी स्टार्टेड अवर जर्नी टू निज़लागुड़ी एंड वी होप एंड वी विश दैट वी विल एंजॉय द होल डे एंड वी विश एवरीवन टू एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन द पिकनिक पार्टी। थैंक यू। सबसे पहले मैं जो जिम का ओनर है तो उनसे तो बात करना ही पड़ेगा। सो विशाल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कुछ कहेंगे? गुड मॉर्निंग सभी। आज हम निज़लागुड़ी जा रहे हैं पिकनिक मस्ती करने के लिए न्यू ईयर के। तो सभी आने के लिए धन्यवाद, और हम लोगों का ये जर्नी बहुत अच्छा होगा, और मेरे तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो अभी हम पहुंच गए निज़लागुड़ी। ये गेट है, बहुत सुंदर सा गेट है यहाँ पर निज़लागुड़ी में। एंड ये एंट्री है, बस का एंट्री फी 400 है। तो ये बढ़िया से लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर 2023, और साथ में ब्रिज भी है या वुडन ब्रिज। यहाँ पर 4-व्हीलर्स ही अलाउड है, बस आपको साइड से स्ट्रीम से जाना पड़ेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक लो हाइट स्ट्रीम है, आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है, आराम से व्हीकल पार हो जाएगा। सो फाइनली वी आर इन एट आवर डेस्टिनेशन। बहुत सुंदर बेरी का पेड़ है यहाँ पर एंड साफ सुथरा फील्ड है। एंड रास्ता जो था वो बिल्कुल ही ठीक था। हम लोग अपने जो जगह है वो साफ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अरेंज करेंगे खाने का। सो साइड में ही गाड़ी को पार्क किया गया है। सो दिस इज ब्यूटीफुल निज़लागुड़ी हियर एट चिरांग डिस्ट्रिक्ट। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो पूरा पैक्ड है आज, संडे भी है। तो फ्रेंड्स, ये है निज़लागुड़ी पिकनिक स्पॉट है हियर चिरांग डिस्ट्रिक्ट पे। काफ़ी बड़ा पिकनिक स्पॉट है और इस बार काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। पिछली बार जैसे सरलपुरा था, तो इस बार निज़लागुड़ी पिकनिक स्पॉट है। एंड नदी है यहाँ, बहुत ठंडा पानी है। नदी का जो डेप्थ है बहुत लो है, ना के बराबर ही है। एंड जो ब्रिज है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज से आप ओनली 4-व्हीलर्स क्रॉस कर सकते हैं। बाकी जो अदर देन 4-व्हीलर्स है वो साइड में नदी जो है, नदी से आप गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। सो नदी का हाइट बहुत कम है, पत्थर है नीचे, छोटा छोटा ग्रेवल्स है, तो आप गाड़ी इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो आइए हम निज़लागुड़ी पिकनिक स्पॉट को एक्सप्लोर करते हैं। और आज पिकनिक है, हम लोग जिम फिटनेस प्लस से आए हैं, और यहाँ पिकनिक कैसे अरेंज करते हैं फुल मैं आपको दिखाऊंगा। और निज़लागुड़ी पिकनिक स्पॉट का जो एक्सप्लोरेशन होगा वो होगा मेरे जो अदर चैनल है हुसैन कपूर, वहाँ पर होगा। आप प्लीज़ उस चैनल को विजिट कीजिए, उसमें आप इस वीडियो को देखिए। वेल फ्रेंड्स, ये निज़लागुड़ी में आपको इस तरह का झूला देखने को मिलेगा, साथ में बोटिंग भी है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है जो अच्छी तरह पेड़ को सजाया गया है। आई लव यू निज़ला भी लिखा हुआ है। एंड डैम भी है यहाँ पर, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में मीना बाजार भी है, बच्चों के खेलने का अच्छा इंतज़ाम भी है यहाँ पर।
एंड खाने का भी कोई टेंशन मत लीजिए, खाने का बिल्कुल अच्छा इंतजाम है। अगर आप वैसे पिकनिक घूमने आओगे तो यहाँ पर खा पाओगे आप। साथ में भूटान का जो ऑरेंज है वो भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मीठा सा जो हमने ट्राई किया। और इस तरह का आपको सीट मिलेगा यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है। तो चलिए, इस निजलागुड़ी का जो वीडियो है मैं आपको दूसरे चैनल पर दिखा दूंगा, जो आपको पहले मैंने दिखा दिया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अभी अपने म्यूजिक सिस्टम को सेट कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम है लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक बॉक्स लाया है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में है ब्रेड, जैम, अंडा, बनाना एंड साथ में कॉफ़ी एंड बिस्किट। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको लंच। लंच की भी तैयारियाँ हो रहा है यहाँ पर। सो हमारा पिकनिक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कुकिंग वगैरह चल रहा है। यहाँ पर सैलड बनाया जा रहा है, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, और यहाँ पर आंटी चिकन बना रही है। और ढेर सारा स्पाइसेस यहाँ पर। सो सभी गाने के धुन में डांस कर रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैंने गाना को म्यूट कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये रहा निजलागुड़ी का एरियल व्यू, मैंने काफ़ी ऊपर से कैप्चर करने का कोशिश किया आपको दिखाने के लिए। चारों तरफ बेरी का ट्रीज है एंड काफ़ी शेड प्रोवाइड करता है वो। एंड यहाँ पर हमारा फ्राइड राइस रेडी हो रहा है। तो फ्राइड राइस का ये कुछ प्रोसेस मैंने आपको दिखाया जो आंटी बना रही है, ये थोड़ा कुछ अलग का प्रोसेस है जो हमने नोटिस किया है, काफ़ी अच्छा भी लगा। सो सारे सब्जियाँ एंड ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद ही इस चावल को, उबलते हुए चावल को डाल देते हैं स्टीम पे। और यहाँ बेरी खाने का चैलेंज चल रहा है, और मिर्च को नमक के साथ मसल के बेरी खाने का जो मज़ा है ये कुछ अलग है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। मेरे तो मुँह में ही पानी आ रहा है ये बोलने में। तो ये रहा बेरी, जो निजलागुड़ी का बेरी है, यानी यहाँ पर भर भर के बेरी है, आप प्लाक कर सकते हैं इजीली और खा सकते हैं। एंड यहाँ पर तैयारियाँ चल रहे पकोड़ा का, तो पकोड़ा भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है देख के होगा, तो ट्राई करते हैं उसके बाद बोल पाएंगे। सो फाइनली खाना हो चुका है रेडी एंड फर्स्ट बैच यहाँ बैठ चुका है एंड सर्व कर रहे हैं बाकी मेट्स। एंड दिस इज़ फ्राइड राइस, पकोड़ा, सैलड, चिकन। सो फ्रेंड्स, हमारा पिकनिक हो चुका है कंप्लीट एंड इट्स टाइम टू पैक अप।
थैंक यू जिम फिटनेस प्लस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच वंडरफुल पिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड थैंक यू वंस अगेन बिकॉज दिस इज द ओनली वन लेडीज जिम इन द होल टाउन एंड आई विश देम अ वेरी गुड सक्सेस एहेड एंड थैंक यू निजला गुड़ी फॉर दिस वंडरफुल पैलेस। बट जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आएंगे तो प्लीज़ मास्क लेके आइएगा क्योंकि काफ़ी धूल है इसमें। So thank you, bye bye, and once again please do like, share and subscribe to my channel and support us.